बच्चों, हिंदी में आज हम इकाई 8 चतुर चूहा का अभ्यास करेंगे। तो चलिए चूहे की कहानी देखते हैं। एक चूहा था। चूहा यानी कि गुजराती में हम उसे कहते हैं उंदर। वह रास्ते पर जा रहा था। उसे कपड़े का एक टुकड़ा मिला। जैसे ही वह रास्ते पर जा रहा था तो उसने रास्ते में देखा कि वहाँ एक कपड़ा पड़ा है। वह उसे लेकर आगे बढ़ा। तो चूहे ने क्या किया, वह कपड़ा ले लिया और लेकर वह आगे चला। उसने एक दर्जी की दुकान देखी। अब चूहे के हाथ में कपड़ा था और उसने एक दर्जी की दुकान देखी। दर्जी के पास जाकर उसने कहा, जैसे ही दर्जी की दुकान देखी तो उसे कुछ सूझा, इसलिए वह दर्जी के पास गया और चूहा बोला, दर्जी रे दर्जी, इस कपड़े की टोपी सी दे। अब चूहे का मन टोपी सीने का होता है, इसीलिए वह दर्जी को बोलता है कि मेरे पास कपड़ा है तो तुम इसकी टोपी मुझे सी दो। उसके बाद दर्जी बोलता है, यह कौन बोल रहा है? चूहा छोटा सा था, इसीलिए दर्जी ने उसे देखा नहीं, तो उसे कौन बोल रहा है उसका पता नहीं चला। अब चूहा बोलता है, मैं चूहा चूहा बोल रहा हूँ, इसकी एक टोपी सी दे। दर्जी, चल रास्ता नाप वरना कैंची उठाकर मारूंगा। नाप का मतलब होता है माप, यानी कि दर्जी चूहे को डांट कर भगा दे रहा है। उसे बोल रहा है कि तुम अपने रास्ते पर चले जाओ, अपना रास्ता मापो वरना मैं कैंची उठाकर मारूंगा। कैंची यानी कि गुजराती में हम कहते हैं कातर, कि मैं तुम्हें अपनी कातर से मारूंगा। अब चूहा बोलता है, अरे तू मुझे डरा रहा है? चूहा दर्जी की बातें सुनकर डरता नहीं है, वो खुद उसे कहता है कि तुम मुझे डरा रहा है और फिर गाना गाने लगता है। कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा, तुझे खूब पिटवाऊंगा और तमाशा देखूंगा। देखते हैं चूहा क्या कहता है। कचहरी में जाऊंगा यानी कि अदालत में चूहा जाएगा, सिपाही को बुलाऊंगा, वहां से सिपाही यानी कि सैनिक को बुला कर लाएगा, तुझे खूब पिटवाऊंगा। तुझे यानी वो दर्जी की बात कर रहा है कि अदालत से एक सैनिक लाकर दर्जी को खूब पिटवाएगा। और तमाशा देखूंगा यानी कि दर्जी को पिटते हुए देखकर वो मजा लेगा। उसे बोल रहा है कि वह तमाशा देखेगा। यह सुन दर्जी डर गया, उसने झटपट टोपी सी दी। दर्जी की बातों से तो चूहा नहीं डरा, परंतु चूहे की बात सुनकर दर्जी डर गया। उसे लगा कि यह चूहा कहीं सचमुच में कचहरी में ना चला जाए, इसीलिए उसने डर के मारे चूहे के पास जो कपड़ा था उसकी टोपी सी दी। झटपट का मतलब होता है जल्दी जल्दी यानी कि शीघ्र। तो दर्जी ने जल्दी जल्दी चूहे के पास जो कपड़ा था उसकी टोपी सी दी। अब टोपी पहनकर चूहा आगे बढ़ा। जैसे ही दर्जी ने चूहे को टोपी सी दी तो वह वहां से चला गया। रास्ते में कसीदाकार की दुकान देखी। अब रास्ते में चूहा कसीदाकार की दुकान को देखता है। कसीदाकार यानी कि सुई धागे से कपड़े पर बेल बूटा बनाने वाला। गुजराती में कहिए तो जे कपड़ा में भरत काम नु काम करे छे ते मानस एटले के कसीदाकार। चूहे को टोपी पर कसीदा कढ़ाने की इच्छा हुई। कसीदा यानी कि भरत काम, कढ़ाना यानी कि गूंथना। तो जैसे ही चूहे ने कसीदाकार को देखा तो उसे लगा कि वह भी अपनी टोपी में अच्छा सा कसीदा कढ़ाएगा।
तो उसकी टोपी और भी सुंदर हो जाएगी। अब चूहा बोलता है, भाई मेरी टोपी पर थोड़ा कसीदा काट दे। कसीदाकार ने चूहे की ओर देखा, फिर उसे धमकाया और कहा, चल चल यहाँ किसे फुर्सत है। फुर्सत यानी कि अवकाश, जैसे कि हमें काम नहीं होता है और हम फ्री होते हैं, मतलब गुजराती में कहेंगे नवरास। तो जैसे ही चूहे ने कसीदा काटने की बात की तो वह तो उसे धमकाने लगा और बोला कि मैं यहाँ पर फुर्सत में नहीं बैठा हूँ, तू यहाँ से निकल जा। यह सुनकर अब चूहा बोलता है, अच्छा तो तू भी मुझे भगा रहा है, लेकिन सुन। अब फिर से चूहा वही गाना बोलता है, कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा, तुझे खूब पिटवाऊंगा और तमाशा देखूंगा। अब चूहा कसीदाकार से भी वही धमकी भरे शब्द बोलता है कि वह कचहरी में जाएगा, वहां से सिपाही को लेकर आएगा और कसीदाकार को पिटवाएगा। और ये सब होते हुए देखकर उसे बहुत मजा आएगा और वह तमाशा देखेगा। यह सुन कसीदाकार घबराया, उसने चूहे को कचहरी में जाने से रोका। जैसे दर्जी को डर लगा था वैसे ही कसीदाकार भी घबरा गया। उसने चूहे को कचहरी में जाने से रोका, उससे टोपी लेकर उस पर अच्छा कसीदा काट दिया, यानी कि टोपी पर भरत काम कर दिया। चूहा तो खुश हो गया। तो देखा बच्चों, किस प्रकार चतुर चूहे ने रास्ते से मिले कपड़े से अपने लिए टोपी भी सिलवा ली, उस पे कढ़ाई काम भी करवा लिया और ऊपर से एक भी पैसा भी नहीं दिया। यहाँ पर चतुर चूहा इकाई समाप्त होता है। अब आप सोचिए कि चूहे ने जो धमका कर दुकानदार और कसीदाकार को धमका कर जो टोपी सिलवाई है वो क्या सही किया है? वो किसी और तरीके से भी क्या टोपी सिलवा सकता था? यानी कि उसे धमकाया तो उसकी वजह से वो प्यार से कह सकता था, तो क्या कसीदाकार और दर्जी उसका काम कर देते? आपको क्या लगता है? और हाँ, अगर चूहे की जगह पर आप होते और आपको ऐसे कुछ कपड़ा मिलता तो आप क्या करते? आप उसे फेंक देते या फिर उसका कुछ और इस्तेमाल करते या फिर टोपी की जगह पर कुछ और सिलवाते? और हाँ, अगर टोपी ही सिलवाते तो आप किस प्रकार दर्जी और कसीदाकार को मनाते? यह सब आपको सोचना है। अगले वीडियो में हम इस इकाई के अभ्यास और स्वाध्याय का अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।